जम्मू में आज एक बस गहरी खाई में गिर जाने से कम 10 लोगों की मौत हो गई है और 55 अन्य घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक घटना झज्जर कोटली इलाके में हुई, जब ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया। बताया जा रहा है कि बस अमृतसर से कटरा शहर जा रही थी। हादसे में घायल होने वाले लोगों को जम्मू में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू के SSP चंदन कोहली ने पत्रकारों से टोल की पुष्टि करते हुए कहा कि बचाव अभियान लगभग पूरा हो गया है और SDRF की टीम भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि बस में निर्धारित सीमा से अधिक यात्री सवार थे, जिसकी जांच के दौरान जांच की जाएगी। वहीं गंभीर रूप से घायल 4 यात्रियों को जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। सरों ने बताया कि बस कटरा जा रही थी, तभी झज्जर कोटली इलाके में यह दुर्घटना हुई। बस में सवार तीर्थ यात्री माता वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे। कटरा त्रिकुटा पहाड़ियों के ऊपर मौजूद मशहूर तीर्थ स्थल के लिए आधार शिविर है। कोटली पुल है, ब्रिज है वहाँ से। इसमें 10 लोगों की डेथ हुई है और 55 के लोग इसमें इंजर्ड हैं, करीब 55। सबको इवैक्यूएट किया गया है। लोकल्स ने भी मदद की है, CAPF की टीम्स थी वहाँ पे और पुलिस की टीम्स थी, और यहाँ पे अब जायजा लेने के लिए GMC में हम आए हैं और सभी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ये इस टाइम पे अभी मैं बता नहीं पाऊंगा रीजन इसका क्या रहा है, मगर इन्वेस्टिगेट करेंगे इस चीज को और जल्दी ही जैसे ही डिटेल्स आएंगी आपके साथ साझा करेंगे। सर रेस्क्यू कमिट हो गया है? सर रेस्क्यू कमिट हो चुका है, अब तमाम लोगों को निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मगर फिर भी जस्ट बिकॉज की बस जो नीचे गिरी है उसकी पोजिशन ऐसी है कि एक बार फिर से उसको चेक करना पड़ेगा। मैनुअली हमने पूरा तरीके से चेक कर लिया, मगर एक पोर्शन बस का अभी भी दबा हुआ है और टीम्स हमारी वहाँ पे SDRF की भी टीम्स मौजूद हैं ताकि पता लगाया जा सके। क्षमता से ज्यादा यात्री सवार थे इस बस में? ये क्षमता से ज्यादा ही थे इसमें और इस चीज पे भी हम गौर करेंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, टॉप स्टोरी न्यूज।